चलो आखिरी सवाल, आपका कोई पर्सनल इन्वेस्टिंग का मंत्र? देखिए, मेरा पर्सनल इन्वेस्टिंग का मंत्रा दो फोल्ड है। सबसे पहला ये है, बैलेंस एक बहुत जरूरी चीज है। आपने गांव के मेले में देखा होगा, वो एक रस्सा बंधा रहता है, एक छोटी बच्ची एक डंडा लेकर के चलती रहती है। तो मैंने ना अपने ऑफिस में भी वो पोस्टर लगाया जी, क्योंकि मुझे लगता है हमारा एक कॉन्स्टेंट बैलेंस है कस्टमर सर्विस, ओनर को रेवेन्यू, मार्जिन करेक्ट। एज वेल एज मेकिंग श्योर की ग्रोथ है। ये चार चीज कॉन्स्टेंटली मेरा मानना है, मैं जब भी निवेश करता हूँ मैं देखता हूँ कि क्या उनमें ये बैलेंस है या बैलेंस आने का अपॉर्चुनिटी है क्या। और दूसरा है बैलेंस ऑफ रिस्क टेकिंग एपेटाइट, यानी कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट करता हूँ जो कि एकदम डी रिस्क होता है, चाहे वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी हो चाहे अपने कंपनी। कंपनी में मैं कहता हूँ चलो इंडिया का जो अर्निंग है ये तो आ ही जाएगा, इसमें मेरे को करेक्ट, दोराहे नहीं। उससे बेटर होगा। उसके बाद एक छोटी सी चीज में ट्राई करता हूँ, छोटा निवेश करूँ कि क्या एक मल्टीप्लायर अपॉर्चुनिटी है, बोनस है कि वो पर्सनल इन्वेस्टमेंट में मुझे मिले और मेरी कंपनी में मुझे और मेरे बाकी शेयर होल्डर्स को भी मिल पाए। तो ये मेरे दो थॉट्स हैं। कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिटर्न की बात है, बड़े रिटर्न के पीछे भागो। कुछ लोगों को लगता है सिर्फ रिस्क ही नहीं लेना चाहिए, जिंदगी मिडिल पाथ पे चलती है। इनफैक्ट प्रितेश, मेरा तो हमारा फेवरेट प्रोडक्ट भी एक बैलेंस फंड ही है। तो आजकल मार्केट में बैलेंस ही सबसे अच्छी चीज़ है।